अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज वही दिन है जब उज़मा गई थी स्कूल, फर्स्ट डे। ठीक है, तो शाम हो रही है, शाम के 8:30 बज रहे हैं। एक्चुअली मैंने 6 बजे के समय पे ब्लॉग को एंड किया था जब उज़मा ट्यूशन जा रही थी। ट्यूशन जाता हुआ दिखाया नहीं, तो ट्यूशन गई थी, तो वो 2 घंटे में मैंने वीडियो को एडिट किया, वीडियो को लाइव किया, और अभी मैंने वीडियो वापस से शुरू किया। उस बीच में मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर कर दिया है। एक्चुअली घर में से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि आप लोग कुछ मालूम है कि मुझे ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी। मुझे लेना था, डीमार्ट जाना था, बट नहीं पॉसिबल हुआ। एक दिन गए थे वही उज़्मा के स्कूल की शॉपिंग करके आ गए, उसके बाद ग्रोसरी लेने गए। तो जो भी चुटर पुटर ख़त्म हुआ था तो मैंने मंगा ली ऑनलाइन। मुझे ट्यूशन जाके ए मिला। वो क्लिप रखो, तुम्हारे हेयरबिन पे लगाने के लिए रखा है मैंने। तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया, जो चुटर पुटर ख़त्म हुआ। ग्रोसरी लाएंगे आराम से एक साथ पूरा लिख कर। अभी चुटर पुटर ख़त्म हुआ है, बाकी थोड़े बहुत सामान है घर में, तो वो मंगा लिया है। और चिकन मंगाया, अंडा मंगाया, फिश भी मंगाया। देखो आज क्या बनाऊँ। उसमें क्या बनाऊँ बेटा खाने में, आज बोलो जल्दी। बोलेंगे नहीं तो फिर कुछ भी नहीं बनाऊंगी, खिचड़ी बना के रख दूंगी। क्या बनाओ बोलो, कुछ भी। हाँ, कुछ भी बना दूँ? पर खिचड़ी नहीं, कुछ भी। क्या खिचड़ी नहीं, खिचड़ी नहीं? क्यों, खिचड़ी नहीं, कुछ अंडे का सालन? अच्छा ठीक है, चल देखते हैं क्या बनाने का। और हाँ, अरे उस्मा ने अपने बिल्लियों के बच्चों के नाम रखी है, आप लोग को पता है क्या नाम रखी है? ये फोन आ रहा है, शायद से पार्सल आ गया है मेरा। जल्दी ला, जल्दी ला, जल्दी बता, जल्दी बता, फोन आ रहा है। आराम से, आराम से। जो कोई पायल है, इसका नाम उसने पायल रखी है क्योंकि ये और है दूसरे वाले का लड़की। नाम है जॉस बटलर। कहाँ है तू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरे वाले को जल्दी बता क्या नाम रखी। ये है बादल, वो है पायल, और ये है बादल। ये रखी है उस्मानी लोग के नाम, उस्माने। ठीक है, अभी वो फोन आ रहा है, पहले मैं फोन उठाती हूँ, देखती हूँ कि क्या आया है, फ्रेश टू होम से आया है या ग्रोसरी वाला आया है। बात कर लेती हूँ मैं पहले। तो फोन तो लग रहा नहीं है, मैंने फोन उठाने में लेट कर दिया। ए आया आया, फिर से फोन आया, फोन आया, रुक जा। जब देखो जब हर बात में घाई घाई घाई। तो ये है पायल, ये है बादल, पायल बादल। ये बादल और आसमान दोनों भी आ रही है, पायल। क्या बादल और आसमान? देख यहाँ से रोशनी कितनी अच्छी आ रही है, वहां से कितना धुंधला दिख रहा था। ये पायल पट्टी, ये पायल, ये दोनों दीवाने हैं इसके, उज्मा के बाप रे, उसके पीछे अरे ये पीछे। पायल पट्टी है जो अम्मी की गोद में। अरे बादल आसमान। हाँ बादल आसमान, जाओ लो लेके जाके रख दो। जाओ 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 जाओ, आजकल इन लोग ना पैर के पीछे 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 बहुत ज्यादा घूमने लगे। जा रख दे, जा उसे, जा रख दे। तो ऐसा है, तो देखे आप लोगों ने उज्मा का स्कूल का पहला दिन। कल आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, नहीं देखे तो फटाफट से वॉच कर लीजिए, ठीक है। और मैं तो अभी भी बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, बूम पक। ये आ गया मेरा सामान, चुटर पुटर खोल के चेक कर लेती हूँ सब सही है क्या। उसमें आवाज कम करो बेटा प्लीज, मेहरबानी। फिर से आ गई और थैली, थैलियाँ मस्त जमा हो रही है मेरे पास माशाल्लाह। लो भाई शक्कर खत्म हो गई थी, शक्कर आ गया। ये मस्त मेलन मंगाया, क्योंकि उसमें को बहुत पसंद है। अब पता नहीं पक्का है कि कच्चा हो तो काटने पे पता चलेगा। कच्चा है ना बाबू? नहीं मतलब रेडी, हाँ हो जाएगा कल तक, शायद रेडी हो जाएगा कल परसों। अमूल मस्ती का 1 लीटर का डब्बा, ये उज़्मा के ओरियो आप है। तो मैगी मसाला पैकेट आ गया। उज़्मा आवाज कम कर बेटा, उज़्मा आवाज कम कर। इसका एक चीज अच्छा है यहाँ पे कि आपको 1.25 किलो, आधा किलो, 1 किलो नहीं लेना होता है फ्रूट, आप 2 पीस भी ले सकते हैं सर। बट मेरा एक एप्पल इन लोग ने खराब भेजा है, देखो। हाँ वैसा पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, वरना फ्रूट मेरे को हमेशा अच्छी है। टमाटर, अंडे भी चेक ना, फूटे तो नहीं ना कहीं। भिंडी, चिकन किधर है? अरे वो तो दूसरा है ना, दूसरे अच्छा। दूसरे ऐप से आएगा।
सही भिंडी चिकन की तरह पूछ रहे बस चिकन मगर तू बोले 700 में चिकन का मगा चिकन बटन हां आएगा ये मिर्ची आज जरा मेरे को ना कोतमीर भी पीली दिख रही है ये पिज्जा ब्रेड मंगाया और ये मिर्ची हां लगा दे ये कोतमीर से कोना कोतमीर भी थोड़ी लास्ट टाइम भी जैसे नहीं आई थी पीली पीली थोड़ी सी आई थी हां यार और कोतमीर तो मतलब महंगी हो ही गई है ना दो चीज है जो मुझे थोड़ी सी मैं अनहैप्पी हूँ एक है ये क्या बोलते सेब उसमें देखो एक थोड़ा सी खराब है और कोतमीर भी जो देख सकते हैं आप थोड़ी बहुत पीली हुई है थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी पीली हुई है दो दिन में नहीं चलेगी कैमरा वजह से इतना देख नहीं रहा हाँ और भिंडी तो फिर भी ठीक ही छे ठीक है हाँ भिंडी मुझे ठीक ठाक मिली है यहाँ पे कैसा पाउच मिला भिंडी कुछ आइडिया नहीं आइडिया नहीं मैंने मंगाई थी भाजी यहाँ से काफी टाइम से इधर से ही मंगा रही हूँ और मुझे सामान में सेटिस्फाइड हुआ कब दी थी ऑर्डर आ गया ना सब सामान तुमको भागना पड़ा सही है ना सही है अभी देखना पड़ेगा कच्चा है क्या और ये अंडे देख लो वही मेन मुद्दा फूटेगी नहीं 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 अंडे तो सही है अंडे सही सलामत है चलो तो मैं ना आज ना देखती हूँ अभी जो फिश भी मंगाया रोहू फिश मंगाई चिकन मंगाई चिकन दो तरीके के मंगाई एक बिरयानी कट और एक करी कट अब देखते हैं कि क्या आता है मैं देखती हूँ मेरा दिल जो बोलेगा वो बनाऊंगी अंडे का सालन भी बना सकती हूँ ठीक है चलो फिर मैं फटाफट से उठा के रखती हूँ चाय वाय पीती हूँ फिर खाना बनाती हूँ ओके कोतमीर में बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो पता है चलो ठीक है कोई नहीं मैं चिड़िया लोग को खिला दूंगी वो वैसे भी प्रेग्नेंट है अंडे दे रही है वापस से तो ऐसा फोटो खींचे सो मुझे ये भी रिसीव हो गया है बट मैं इसको अभी साइड में करती हूँ क्योंकि मैं धो रही थी बर्तन ये बर्तन मेरे वॉश करने के अभी बाकी है शुरू कर दिया था मैंने बर्तन धोना यहाँ पे मैंने अंडा बॉईल करने के लिए रख दिया क्योंकि मेरे को लगा था थोड़ा और लेट लगेगा शायद ये आने के लिए बट यहाँ आ गया इसको भी थोड़ा साफ करके वैसे तो साफ ही रहता है लेकिन फिर भी इसको ओपन करके अच्छे से क्लीन करके इसको फ्रिज में रखूँगी फ्रीज़र में रखूँगी तो धुल गए बर्तन बर्तन भी धुल गए बर्तन लग भी गए चिकन फिश को साफ़ करके मैंने रख दिया है फ्रीज़र में आज अंडे का सालन बनेगा तो यहाँ पे थोड़ा सी चम्मच में पानी था तो वो छट छट उड़ रहा था तो बस एग को फ्राई कर लूँगी और आलू भी है जो कि उसको भी फ्राई कर लूँगी और मसाला मैंने तैयार करके रखा है तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गरम तेल में थोड़ा सा तेज पत्ता और ज़ीरा ऐड कर दिया उसके बाद मैंने इसमें दो कांदों को पीस के ऐड किया और ये जो मैं ऐड कर रही हूँ ये है दो टमाटे जिसके अंदर मैंने गरम मसाला पीस के ले लिया है गरम मसाले में जावित्री पत्थर फूल कमल फूल काली मिरी दालचीनी बड़ी इलायची और लौंग ये सारी चीज़ें मैंने पीस के ले ली और उसको मैंने अच्छे से मिला लिया और उसके बाद मैं इसके अंदर सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ तो सूखे मसाले में हल्दी की बुक्की धनिया की बुक्की मिर्ची की बुक्की अब इसको अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से ठीक है और इसको हमें भूनना है जब तक कि तेल पक नहीं जाता और मैं यहाँ बोलना भूल गई कि टमाटर ऐड करने से पहले टमाटर का जो पीस के मैंने मिश्रण इसमें ऐड किया उससे पहले अदरक लहसुन ऐड किया था तो कांदे के बाद अदरक लहसुन उसके बाद टमाटर उसके बाद सूखे मसाले और नमक ऐड किया है अब इसको ढक के पकाऊंगी जब टमाटर भुन गया तो मैंने यहाँ पे दही ऐड किया है दही है ना ये क्रीमी वाला दही है क्रीमी टेक्सचर वाला दही था तो ये मैंने ऐड कर दिया इसको भी अच्छे से चला लेंगे अभी जब तक बॉईल नहीं होता एक बॉईल नहीं होता इसको इसी तरह से चलाऊंगी एक्चुअली कैसा हुआ पता है स्टार्टिंग में जब मैंने एग करी बनाना शुरू किया तो मुझे नहीं लगा था कि मैं शूट करूँगी इसलिए मैंने स्टार्टिंग में शूट ही नहीं किया कुछ फिर बाद में मैंने सोची चलो नई रेसिपी बना रही हूँ तो शेयर कर ही देती हूँ कि मैं कैसे अंडे का सालन बना रही हूँ तो फिर मैंने कैमरा उठाया और तब तक मैंने गरम मसाला कांदा अदरक लहसुन ऐड कर चुकी थी तो ऐसा बस यहाँ पे देखिए दही को भी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो मैंने आलू और अंडे को फ्राई करके रखा था वो ऐड कर दूँगी ये ऐड करने के बाद मैं इसको 2 मिनट अच्छे तरीके से चलाते हुए पका लूँगी फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी जितना पतला हमें चाहिए उतना पतला कर लेंगे और इसको फिर बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे आलू जो है वो फ्राई है तो पकने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे लेकिन हाँ अभी वो कच्चे हैं तो उबालना ज़रूरी है तो ये एक तरफ उबलते रहेगा मीडियम आंच पे तब तक के मैं साइड में रोटी बना लूँगी तो रोटी ज़्यादा आज ऑयली नहीं बनाऊँगी क्योंकि सालन जो है वो तरी वाला है अभी तेल नहीं दिख रहा लेकिन है मैंने अच्छा खासा तेल इसमें ऐड किया था तो रोटी जो है वो आज सूखी वाली बनाऊंगी तो ऐसा है अब बस इसको ढक के छोड़ दूंगी तो
तो यहाँ पे रोटियाँ भी तैयार हो चुकी है और सालन भी रेडी हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो थोड़ा छोटा है मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।